तो क्या हालचाल दोस्तों। तो गाइस आज भी मैं आपके लिए क्रिएटर्स की तरफ से बहुत सारी न्यूज लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए बात करते हैं न्यूज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले स्वाद ऑफिशियल चैनल के बारे में। तो स्वाद ऑफिशियल चैनल के ओनर है गौरव वसंत। तो स्वाद ऑफिशियल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, 18 ईयर ओल्ड कपल वर्किंग हार्ड टू सर्वाइव बेस्ट मटर पनीर एवर। तो इस वीडियो में बेसिकली यही बताया जा रहा है कि 80 ईयर ओल्ड जो कपल है वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, ऑल्सो उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते इनको। देन आफ्टर ये वीडियो बहुत ही वायरल होने लगा और बहुत सारे क्रिएटर्स ने इस पर रिएक्ट किया है। तो पहले मैं आपको वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, मतलब कि कौन से क्रिएटर ने हेल्प की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? पांडा प्रसाद। और आंटी आपका? बदामी। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की है आप? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम कर रहे हैं 88 से। सन 88 से ये काम कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अंकल क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? अपना दाल चावल सब्जी है। आपके कितना बेटा बेटी, कोई मदद नहीं करता? कोई नहीं, हमारे दो लड़के एक लड़की है, लड़की हमारे सर पर है, हमारी मदद कोई नहीं करता। कोई भी आपकी हेल्प? आप ही उन लोगों को खाना खिलाते हैं? सब हम खिला रहे हैं। आज क्या क्या बनाया आपने? आज हमने बनाया है चना उड़द की दाल, चावल है, आलू सोयाबीन की बड़ी है, मटर पनीर है। तो आप देख सकते हैं जी कितनी यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं 80 साल की उम्र में भी, और ये कह रहे हैं हमें कोई सपोर्ट नहीं है, ना हमारे बच्चों से, ना हमारी बिटिया से, ना किसी से भी। और 80 साल में आंटी के घुटने बिल्कुल जवाब दे चुके हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग। सब कुछ हमारा जो है रेडी हो जाता है, उसके बाद में इंतजार करते हैं ग्राहक का, कोई आए बेचे जब आएगा तभी देंगे। लॉकडाउन के पहले दो पैसे आ जाते थे, जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारी जिंदगी खराब हो गई है। मैं और मेरे अंकल, कितनी कमाई हो जाती है दिन में रोजाना? तो अभी तक हमारे पास ये हमारी पास ये दुकानदारी हुई है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, इतनी तो इनकी लागत हो जाती है जितनी की ये कमाई नहीं कर पा रहे। इतनी बढ़िया आप सब्जी बनाते हैं अंकल, फिर भी नहीं बिक पा रही है। आप कभी दिल्ली मालविया नगर जाते हो तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि किन किन लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। वन मम ने पोस्ट कर दे, वो लिखा आई होप अंकल गेट सम हेल्प फ्रॉम इंटरनेट पीपल। देन आफ्टर आशीष चंचलानी कहे देर आर सो मेनी स्ट्रीट वेंडर डेली वेजेस वर्कर अराउंड ऑल ऑफ अस लाइक दिस ओल्ड कपल, प्लीज इफ इट इज पॉसिबल फ्रॉम योर साइड गो एंड हेल्प दिस पीपल बाय बाइंग एटिंग एट द स्टॉल, दिस आर हार्ड वर्किंग पीपल हु आर सर्वाइविंग एवरी डे टू मेक श्योर दे अर्न a living, also they are so selfless, they do not beg but instead work, so the least we can do is help them and most important please do not bargain with them, mall mein to nahi karte na to yahan kyun, I promise you will feel amazing after doing this, also Harsh Benival to unko milke bhi aaye, also unhone post karte hue likha just look at this smile priceless, did my part, aap bhi jaye aur kuch kha ke aaye, aur niche thank you kiye hai swad official ko video banane ke liye, also Lakshay Chaudhary ne story पोस्ट करते हुए कुछ ये कहा तो भाई जब अगली बार मैं होपफुली इसी महीने दिल्ली जाऊंगा तो मैं पक्का जाने वाला हूं, और मैं यही कहूंगा लोगों से, दोस्तों के साथ जाते हो, हैंग आउट करते हो तो एटलीस्ट एक दो बार जाके खा सकते हो, कुछ फ्री देने को नहीं कह रहा मैं, लेकिन जाके खा के तो दे सकते हो। तो यस यार, सभी क्रिएटर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज आती है संदीप महेश्वरी जी की तरफ से। तो संदीप महेश्वरी एक बंदे के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं। कोई सागर करके बंदा है जो स्पॉटिफाई पर संदीप महेश्वरी जी के नाम से पॉडकास्ट चला रहा है, और संदीप महेश्वरी के नाम पर वो डोनेशन भी ले रहा है, मतलब कि एक तरीके से वो फ्रॉड ही कर रहा है। तो संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो भी पोस्ट की है अपने यूट्यूब चैनल पर, आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पर, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ जहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो लीगल एक्शन लेंगे। क्योंकि मुझे इसमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, जो लोग मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं। कल हमारी टीम के पास में एक ईमेल आई है जिसमें एक लिंक है, और उस लिंक के थ्रू कोई है जो मेरे नाम पर लोगों से डोनेशंस ले रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, सब्सक्रिप्शन के नाम पर पैसे ले रहा है। अब हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, कहां कहां पर। ये फ्रॉड है जो हमारी नॉलेज में आया है, और हमारी लीगल टीम है जो उसके अगेंस्ट एक्शन ले रही है, और बहुत ही जल्दी उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो जाएगी। बट मैं पहले आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूं कि क्या हो रहा है और किस लेवल पर हो रहा है। जैसे ही उस लिंक को हम ओपन करते हैं, जो लिंक हमारे पास में आया है, तो ये पेज ओपन हो जाता है जिसमें कि मेरा नाम है, मेरी फोटोग्राफ है, और लिखा हुआ है अ पॉडकास्ट बाय संदीप महेश्वरी एंड बिकम अ सपोर्टर।
मतलब इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कि ये मेरा कोई पॉडकास्ट है या मेरी कोई वेबसाइट है या मेरा कोई पेज है जहां पर कि मैं आप लोगों से डोनेशन मांग रहा हूं या कोई कंट्रीब्यूशन मांग रहा हूं इस पॉडकास्ट को चलाने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जो मुझे देखते हैं उसमें से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूं यानी कि ये जो मेरे सेशंस होते हैं इसके मैं कोई पैसे नहीं लेता हूं, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि ये फ्रॉड अब यहीं पे रोक दिया जाए और आगे से अगर कोई इस तरह का फ्रॉड करे तो आप लोग जा करके उसको रिपोर्ट करें। तो इन्होंने क्या किया है कि मेरे कुछ सेशंस उठा करके यहां पे अपलोड कर दिए हैं और उसके बाद में इन्होंने अपना UPI ID दिया हुआ है और वो भी मेरे नाम से ही बनाया हुआ है, सपोर्ट संदीप के नाम से, और एक सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट खुलती है जहां पर के वो पेमेंट मांग रहे हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम सागर, कोई सागर है जो ये पैसे मांग रहे हैं। हो सकता है ये कोई इंडिविजुअल हो या हो सकता है इसके पीछे पूरा का पूरा कोई गैंग हो, तो जो भी है अब बहुत ही जल्दी इनके अगेंस्ट एक्शन होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मेरे YouTube चैनल को लिंक किया हुआ है इस पर्टिकुलर पेज से ताकि वो लोग जो यहां पर आ रहे हैं उनको ऑथेंटिक लगे, उनको लगे कि ये एक्चुअल में मेरा ही पेज है, मतलब कि पूरा का पूरा ये एक स्कैम है। तो आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। तो बस आज के लिए बस इतने ही न्यूज़ थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त ना बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यही नहीं अभी और सुनिए, हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।